हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसलिए गुड मॉर्निंग बोला है क्योंकि अभी बज रहा है सुबह का 11:30 बजा नहीं है, तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। सुबह मतलब सुबह में बच्चे का जितना कपड़ा होता है वो वगैरह धो के सब बच्चे का कपड़ा वगैरह धो के मैं यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ। और हम लोग आज कहीं पर जाना है, कहाँ जाना है वो मैं आप सबको बाद में बताऊंगी। तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो रही हूँ और मम्मी और मैं बच्ची जा रहे, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 या 10 मिनट का ही रास्ता होगा, सफ़र होगा, पैदल ही जाएंगे। तो मम्मी बना रही है दोपहर का खाना। सुबह को तो हम लोगों ने खाना खा लिया था क्योंकि सुबह का हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, भैया स्कूल जाते हैं, तो इसीलिए। तो दोपहर का मम्मी खाना इसीलिए बना रही है क्योंकि वहाँ से आते वक्त शायद टाइम लग जाए, तो बस इसीलिए दोपहर का खाना बना रही है मम्मी। तो मैंने ना बच्चे को मतलब मालिश करके नहा के रखा था, बस यहाँ पर कपड़े वगैरह लगा रही हूँ। और जब भी कुछ कहीं पर जाना होता है ना, बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है हगीज, क्योंकि बिना हगीज के तो मतलब बच्ची ना थोड़ी देर बाद बाद शुशु कर देती है, तो बिना हगीज के कहीं पर भी जाना मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चे को हगीज पहना दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चे को टीका लगवाने। 1.5 महीने में टीका लगवाना था लेकिन मैं लगवा नहीं पाए, तो अभी 3 महीना हो चुका है, तो बस आज लगवाने, फर्स्ट टाइम टीका लगवाने जा रही हूँ। तो बच्ची रो रो कर क्या हाल करती है पता नहीं, वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। मुझे तो अभी से बहुत ही डर लग रहा है और देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्ची कितना आराम से सो रही है अभी, लेकिन इसको पता नहीं इसके साथ आज क्या होने वाला है, तो वहाँ पर जाकर ही इसको मालूम पड़ेगा जब इंजेक्शन लगेगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर से इसका जो कागज़ है वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये वाला, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं और मम्मी मुझे बुला रही है क्योंकि बच्ची उसे नहीं पकड़ रहा है। कहीं पर भी जाओ, बच्ची को ना माँ की ज़रूरत होता है, माँ ही उसको पकड़ के लेकर जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखिए बच्ची को अभी टीका लगवाया जा रहा है। ये तो फ्रेंड्स देखिए, यही है हम लोग का इसको, ये जो टूटा फूटा है यहाँ पर हम लोग पड़ा करते हैं, और ये जो है ये इसके बाद बनवाया गया है, और वो सामने दिखे ये तो नया ही बनाया गया है, अभी यहाँ पर पड़ा करते सारे बच्चे लोग। पहले हम लोग कुछ टूटा फूटा में पड़ा करते थे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग घर आ चुके हैं और थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर कैमरा को देखकर मस्ती कर रही। तो फ्रेंड्स वहाँ से टीका लगवा कर आने के बाद मतलब बहुत ही तेज़ गर्मी लग रही थी, धूप में बहुत ही तेज़ हो रहा था, तो बस इसीलिए वहाँ से आने के बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि खाना भी खाकर बहुत भूख भी लग रही थी, तब खाना खाकर बच्ची तब से मतलब सो रही है, पता नहीं रात को क्या करेगी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था एक ही इंजेक्शन लगाएंगे लेकिन 4-4 इंजेक्शन लगाया गया बच्ची को, तो रात को क्या करती है वो तो पता नहीं, अभी तो सो रही है, जब से आई है तब से ही सो रही है। तो बस उसके बाद शाम को जो दीदी के जेठानी थी उसकी बेटी कुछ काम के लिए आए थे, तब भी मैंने उसके साथ बातें करके ऐसे ही बैठी, टाइम ऐसे ही चला गया, तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। अभी वो लोग यहाँ से निकले, थोड़ी अभी जस्ट निकले वो लोग यहाँ से, तो बस हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, मम्मी और मैं बैठे हुए, और बच्ची भी वहाँ पर सो रही, अभी भी सो रही है, उठने के बाद क्या करेगी पता नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं आप सबको एक चीज़ बार बार बोल रही हूँ, आप सब लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, तो प्लीज़ साइड में जो बेल आइकन घंटी जैसा होता है उसको दबाना मत भूले। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।